नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान मौसम ताज़ा अपडेट न्यूज़ में। जैसा कि दोस्तों हम आपको राजस्थान मौसम ताज़ा अपडेट न्यूज़ टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं, वहीं पूर्वी भारत और महाराष्ट्र में यह गिरावट 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की संभावना जताई गई है। अगले 2 दिनों में पंजाब और हरियाणा में सुबह घने या बहुत घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 दिसंबर को बहुत घने कोहरे बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं जयपुर मौसम विभाग केंद्र ने 18 दिसंबर से उत्तरी भारत में ठंडी हवाएं मध्य भारत की तरफ आने की संभावना जताई गई हैं। इसी कारण उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, अलवर, सीकर और जयपुर समेत कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बताया गया है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और गलन सर्द भरी जारी रहेगी। वहीं बता दें, आगामी कुछ घंटों में सीकर, चूरू में अगले कुछ दिनों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। वहीं बता दें, फतेहपुर, माउंट आबू, अन्य समेत स्थानों पर तापमान जमा बिंदु या उससे भी नीचे यानी -डिग्री जा सकता है। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत के अलावा गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी भारत और महाराष्ट्र में यह गिरावट 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की अनुमान जताया गया है। वहीं बता दें, अगले 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तरी भारत और अच्छे कुछ स्थानों पर है जो भारी बारिश का अनुमान जताया।